एपिसोड 10 में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ माइक्रो प्रोसेसर कितने टाइप्स के होते हैं, सॉरी माइक्रो प्रोसेसर की कैरेक्टरिस्टिक्स पे मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। माइक्रो प्रोसेसर के कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करूँगा माइक्रो प्रोसेसर की। साथ ही मैं जो बात करने वाला हूँ कुछ MCQ भी उठाऊँगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो है CCC एडवांस कोर्स का वीडियो नंबर 10 एपिसोड 10 है। पिछले सारे एपिसोड देख कर आइए, मैं ही आपसे उम्मीद करता हूँ। प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए वीडियो को बिना किसी बकवास के हमेशा की तरह स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज अ माइक्रो प्रोसेसर। अ माइक्रो प्रोसेसर इज बेसिकली अ कंप्यूटर प्रोसेसर दैट इज काउंटेड ऑन अ सिंगल चिप। ये आप पढ़ लीजिए, ये आपके MCQ लिखे हुए हैं, ठीक है। ये देखिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जिस बुक से मैं पढ़ाता हूँ वो बुक यदि आप परचेज करना चाहो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। उस बुक को जरूर आप चेकआउट कीजिए, उसकी खासियतें चेक कीजिए, उसकी जो फैसिलिटी है वो जरूर आप चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ठीक है। ये MCQ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए मैं उस पर वेस्ट नहीं करता हूँ टाइम को, बात कर लेते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर की कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स के मामले में बात करो तो इनको 3 भागों में बांटा गया है, क्लॉक स्पीड, वर्ड साइज, इंस्ट्रक्शन सेट। चलिए बात कर लेते हैं क्लॉक स्पीड की। तो क्लॉक स्पीड देखिए, माइक्रो प्रोसेसर जो है वो यदि आप कोई भी इनपुट इससे कहते हो, जैसे मान लीजिए आपने माइक्रो प्रोसेसर से जो आपने कहा, देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं लेकिन आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ तो उनको दोबारा बताने का मतलब नहीं बनता है, तो मैं आपको कुछ नई चीज़ें बताता हूँ। माइक्रो प्रोसेसर इज टू इनपुट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। देखिए जब कोई भी मेमोरी से फाइल उठती है तो एक कोडेड होती है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर का काम है कि मेमोरी से फाइल को उठा करके उसको डिकोड करना, डिकोड करने के बाद उसको आउटपुट के रूप में आपको प्रोड्यूस कर देना। ये काम एक माइक्रो प्रोसेसर का होता है। ये जो अंडरलाइन है उसका मतलब यही है, ये मैं आपको क्लॉक स्पीड में बता रहा हूँ, ठीक है। आप समझ लेते हैं क्लॉक स्पीड आखिर होती क्या है। देखिए माइक्रो प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड जो है वो ये होती है, मैं आपको बता देता हूँ। द स्पीड एट विच माइक्रो प्रोसेसर कैन एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड द ब्लॉक क्लॉक स्पीड। जिस स्पीड से, मैं आपको बता रहा हूँ फिर अगेन सुन लीजिए, जिस स्पीड से माइक्रो प्रोसेसर जो है इंस्ट्रक्शन को आपके द्वारा या फिर जो उसमें अंदर चल रहा है वो इंस्ट्रक्शन किस रफ्तार से एग्जीक्यूट होती है उसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड, ठीक है। अब क्लॉक स्पीड इज द नंबर ऑफ साइकिल्स दैट द प्रोसेसर एग्जीक्यूट पर सेकेंड। यानी कि आपकी पर सेकेंड एग्जीक्यूट होने, यानी कि आपकी पर सेकेंड में जितनी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती हैं, आपका जो माइक्रो प्रोसेसर पर सेकेंड में, एक सेकेंड में जितनी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है उसको कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड। समझ गए होंगे, आप समझ लेते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड को मापते किसमें, इकाई क्या है, यूनिट क्या है, तो वो है आपकी मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज, ये आपकी मेजरमेंट की यूनिट्स है। मेगाहर्ट्ज का मतलब होता है कि 1 मिलियन साइकिल्स पर सेकेंड, यानी कि 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन आप पर सेकेंड में एग्जीक्यूट कर रहे हो। गीगाहर्ट्ज का मतलब होता है आप 1 बिलियन साइकिल पर सेकेंड, यानी कि 1 बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, ठीक है। मोर ओवर साइकिल बेसिकली मीन्स अ सिंगल इलेक्ट्रिक साइकिल। यहाँ पे जो साइकिल का मतलब है वो सिंगल इलेक्ट्रिक साइकिल से मतलब है, ठीक है। बिसाइड्स एवरी माइक्रो प्रोसेसर हैज एन इंटरनल क्लॉक दैट रेगुलेट्स द स्पीड एट विच द एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। हटाइए, व्हाट इज CPU क्लॉक स्पीड, तो मैं आपको फिर बता चुका हूँ CPU क्लॉक स्पीड वही होती है जिस 1 सेकेंड में माइक्रो प्रोसेसर आपका जितने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है उसको हम माइक्रो प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड कहते हैं। मापने की इकाई है इसकी मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज, मैं आपको बता चुका हूँ, छोड़ो नेक्स्ट पे आ जाओ। इफेक्ट ऑफ क्लॉक स्पीड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ पे प्रभाव की बात की गई है कि माइक्रो प्रोसेसर पर क्लॉक स्पीड की प्रभाव क्या पड़ता है। वी कंसिडर द क्लॉक स्पीड एज द मेजर ऑफ कंप्यूटर पावर, हम कंप्यूटर की पावर की गणना करने के लिए हम इस स्पीड को जरूर देखते हैं, क्योंकि कोई भी कंप्यूटर खरीदते समय हर इंसान यही देखेगा कि उस कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड क्या है, ठीक है। बट दिस मे नॉट बी टर्न एन ऑल केसेस, लेकिन ये हर केसेस में नहीं हो सकता, लेकिन हमें हर
मसले में देखा जाए तो हमें पता रहना चाहिए कि हमारी कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड क्या है, कितने मेगा हर्ज या गीगा हर्ज का हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, कितनी वो पर सेकेंड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, ये हमें पता रहना चाहिए। बट दिस मे नॉट बी ट्रू इन ऑल केसेस, ये हर केसेस में सच नहीं हो सकता है। इट मीन्स दैट द क्लॉक स्पीड इज नॉट ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द परफॉर्मेंस लेवल। इसका मतलब ये हुआ कि क्लॉक स्पीड जो है वो हमेशा परफॉर्मेंस लेवल के प्रोपोर्शनल नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि क्लॉक स्पीड का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी क्लॉक स्पीड बढ़ जाने से आपकी परफॉर्मेंस लेवल भी जो है बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इफ यू डबल द क्लॉक स्पीड कीपिंग ऑल द अदर कंपोनेंट अनचेंज्ड द परफॉर्मेंस विल नॉट नेसेसरी बिकम ट्विस। यहाँ पे ये बताया जा रहा है यदि आप क्लॉक स्पीड को डबल कर देते हो, मान लीजिए आपने 32 मेगाहर्ट्ज से आपने 64 मेगाहर्ट्ज माइक्रो प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड को कर दिया, लेकिन आपने जो अदर कंपोनेंट है आपके पीसी के उनको चेंज नहीं किया, तो ये जो है आपके सिस्टम को जो है डबल गुना रफ्तार नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपने अभी कंपोनेंट को चेंज नहीं किया है, सिर्फ आपने माइक्रो प्रोसेसर को चेंज कर देने से कुछ यहाँ पे ढेर नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको माइक्रो प्रोसेसर यदि आपकी क्षमता माइक्रो प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड या क्षमता मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में बढ़ा रहे हो तो उसका मतलब ये भी होना चाहिए कि आप जो है वो जो उसमें कंपोनेंट लगे हुए हैं यानी कि जो आपका सिस्टम है उसमें भी जो इसमें भी जो डिवाइसेज लगी हुई हैं उनको भी अपग्रेड करने की जरूरत है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है परफॉर्मेंस लेवल के आपकी क्लॉक स्पीड, तो ये इस भ्रम में आप कतई मत रहिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे, सम माइक्रो प्रोसेसर में परफॉर्म जस्ट वन इंस्ट्रक्शन पर साइकिल वेयर इज द अदर में परफॉर्म मल्टीपल इंस्ट्रक्शन पर साइकिल। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कुछ माइक्रो प्रोसेसर ऐसे होते हैं जो है वन इंस्ट्रक्शन पर साइकिल परफॉर्म करते हैं, यानी कि एक इंस्ट्रक्शन एक ही साइकिल में होगी। ठीक है, जबकि कुछ ऐसे हैं जो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन पर साइकिल में परफॉर्म कर देते हैं। ठीक है, यानी कि साइकिल में भी मल्टीपल कर देते हैं, समझ रहे हो ना? हाँ ठीक है, एज द सेकेंड वन विल परफॉर्म बेटर। देखिए जो सेकेंड वाला है जो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन प्रति साइकिल में परफॉर्म कर देगा वो बेहतर होगा इन कंपैरिजन टू फर्स्ट वाले के। मोर ओवर अदर फैक्टर्स एंड कंपोनेंट आर आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि और भी जो कंपोनेंट है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बस स्पीड, अब 32 बिट बस विल परफॉर्म फास्टर इन कंपेरिजन टू अ 16 बिट एट अ गिवन क्लॉक स्पीड। यहाँ पे देखिए 32 बिट का जो बस है वो फास्टर परफॉर्म करेगा 16 बिट के बस के मुकाबले। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है क्लॉक स्पीड माइक्रो डिफरेंस क्लॉक स्पीड के बारे में दिया गया है, कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ पे देखिए ये मैं आपको बता चुका हूँ 16 बिट क्या होता है, 32 बिट क्या होता है, 64 बिट क्या होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पे कोई डिस्कस किए फायदा नहीं है। अब बात कर लेते हैं जो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है माइक्रो प्रोसेसर की, वो है वर्ड साइज। ये क्या होती है, इट इज द नंबर ऑफ बिट्स दैट अ प्रोसेसर कैन प्रोसेस इन अ सिंगल इंस्ट्रक्शन। एक सिंगल इंस्ट्रक्शन में जितना बिट का डेटा एक प्रोसेसर प्रोसेस कर सकता है। बिट का मतलब ये होता है कि आपका, देखिए बिट का जो है बाइनरी नंबर से लिया गया है, वो डेटा को रिप्रेजेंट करता है कि कितने बिट का आपका डेटा है। एक इंस्ट्रक्शन में, एक सिंगल इंस्ट्रक्शन में जितना बिट का डेटा आपका माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है या प्रोसेस करता है उसको हम कहते हैं कि आपके वर्ड साइज माइक्रो प्रोसेसर की क्या है। ठीक है, तो वर्ड साइज जो है वो माइक्रो प्रोसेसर की सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। फर्दर मोर द वर्ड साइज डिसाइड द अमाउंट ऑफ रैम दैट द प्रोसेसर कैन एक्सेस एट अ टाइम। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि द वर्ड साइज जो है वो डिसाइड करती है कि रैम जो है जो प्रोसेसर के पास है वो एक ही टाइम पर एक्सेस कर सके। मोर ओवर इट ऑल्सो डिसाइड द नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट पिन ऑन द माइक्रो प्रोसेसर। ये जो है इनपुट और आउटपुट पिन को भी माइक्रो प्रोसेसर को जो है डिसाइड करती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, तो मैंने आपको मोटी मोटी चीज बता दी। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं।
इंस्ट्रक्शन साइड। मैं अगेन आपको इस वीडियो में रिमाइंडर यहाँ पे दे देता हूँ। अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं थर्ड करेक्टरिस्टिक्स किसकी, माइक्रो प्रोसेसर की। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जिस बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस बुक को यदि आप परचेज करना चाहो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। एक बार आप इस बुक को जरूर चेकआउट करें, ठीक है। बाद में खरीदना ना खरीदना वो आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है। तो इंस्ट्रक्शन सेट देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये इंस्ट्रक्शन के बारे में यहाँ पे जानकारी है और ये माइक्रो प्रोसेसर की थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पे आता है। तो मैं आपको दो कैरेक्टरिस्टिक्स बता चुका हूँ, क्लॉक स्पीड और वर्ड साइज। आप थर्ड पढ़ लीजिए इंस्ट्रक्शन सेट। एन इंस्ट्रक्शन इज बेसिकली अ कमांड विच टेल्स द कंप्यूटर टू ऑपरेट ऑन सम पीस ऑफ डेटा। इंस्ट्रक्शन एक कमांड होती है जो कंप्यूटर को दी जाती है किसी डेटा पर ऑपरेशन करने के लिए। द सेट ऑफ मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन दैट अ माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट इज द इंस्ट्रक्शन सेट। जो भी मशीन लेवल में इंस्ट्रक्शन मिलती है कंप्यूटर को और वो माइक्रो प्रोसेसर जो एग्जीक्यूट करता है उस इंस्ट्रक्शन सेट को, हम उसको इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। द ऑपरेशंस इन्वॉल्व इन द इंस्ट्रक्शन कैन बी एज द फॉलोज। और ये इंस्ट्रक्शन सेट आपके बहुत तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन हो सकता है यानी कि जोड़ घटाना गुणा भाग। फिर आपका लॉजिकल हो सकता है, लॉजिकल ऑपरेशन में कौन से ऑपरेशन आते हैं, इज ग्रेटर देन, इज इक्वल देन, इज लेसर देन, इज लेसर इक्वल देन, इस तरीके के जो ऑपरेशन है वो लॉजिकल ऑपरेशन में आते हैं। थर्ड है आपका डेटा ट्रांसफर, फोर्थ है आपका इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, और फिफ्थ है आपका कंट्रोल फ्लो। खैर हटाइए, यहाँ पे हम पढ़ते हैं डिटेल में इनको, ठीक है। ये मैं आपको बेसिक बता दिया, तो आप पढ़ लेते हैं जो है पार्ट क्या होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के। एक माइक्रो प्रोसेसर में जो है तीन पार्ट होते हैं जिनको हम तीन भागों में बांट सकते हैं, पहला सीपीयू, दूसरा बस, तीसरा मेमोरी। तो तीन ये कंपोनेंट, तीन पार्ट होते हैं एक माइक्रो प्रोसेसर में। सबसे पहले समझ लेते हैं सीपीयू क्या होता है। तो सीपीयू को आपको मैं पहले ही पिछले एपिसोड में बता चुका हूँ, ठीक है। तो इस पर मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये अर्थमेटिक कंट्रोल यूनिट ये सब मैं पिछले एपिसोड में बता चुका हूँ। तो उम्मीद करूंगा पिछले एपिसोड देख कर आए होंगे। मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करने वाला उन चीजों पर क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले एपिसोड में, तो मैं इस पे फोकस नहीं करूंगा सीपीयू पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हिस्ट्री जो है सीपीयू की वो यहाँ पे बताई जा रही है, हिस्ट्री ऑफ सीपीयू बताई जा रही है। तो इस हिस्ट्री ऑफ सीपीयू को चाहे तो आप बुक परचेज करके पढ़ सकते हैं, मेरा काम यहाँ पे हिस्ट्री बताना नहीं है, ठीक है। और ये काफी लंबी हिस्ट्री है डिटेल में पढ़ने के लिए, ना तो आपको मेरे बताने से याद होगी, ठीक है। ये याद करने वाली चीजें होती हैं, तो आप चाहो तो इनको डिटेल में पढ़ना चाहो यदि तो आप इस बुक को परचेज करके बन सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको मेन मेन चीजें बताऊंगा, ठीक है। बुक परचेज करके आप इसको कर सकते हो, पढ़ सकते हो सारी चीजें। नेक्स्ट है हमारा बस। बस क्या होता है? द फंक्शन कंपोनेंट यूजली यूज अ बस आर्किटेक्चर फॉर कम्युनिकेशन। बस एक जो है एक फंक्शनल कंपोनेंट है जो आर्किटेक्चर डिजाइन करता है आपको कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। मान लीजिए सीपीयू को कंट्रोल बस या एड्रेस बस, डेटा बस, यानी कि कुल मिलाकर के कम्युनिकेशन करने के लिए बस का प्रयोग किया जाता है। ये बस बहुत जगह पाए जाते हैं माइक्रो प्रोसेसर में। बस इज अ कलेक्शन ऑफ वायर्स यूज्ड फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। बस जो है वो एक कलेक्शन है वायर का जो कंप्यूटर के जितने भी पार्ट होते हैं उनमें कम्युनिकेशन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फर्दर इट यूजेज इलेक्ट्रिक सिग्नल टू पास द डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा और इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए, चूंकि ये देखिए कम्युनिकेट का काम करता है तो डेटा ट्रांसफर होगा, और इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है उनको पास करने के लिए इलेक्ट्रिक सिग्नल का प्रयोग करता है डेटा एंड इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए दोस्तों उधर, ठीक है। अब यहाँ पे एड्रेस बस बताया गया है, डेटा बस बताया गया है, कंट्रोल बस बताया गया है, तो इन्हें आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये मेन बताना मेरा काम है, आप चाहें तो ये जो डिस्क्रिप्शन में इस बुक का लिंक दिया है उसे परचेज करके आप इनको डिटेल में पढ़ सकते हो। बुक को एक बार चेकआउट आप करो जरूर करें। थर्ड हमारा है, आप देखते हैं बस के बाद क्या आता है। बस के बाद आती है हमारी मेमोरी या स्टोरेज। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ हमारी मेमोरी या स्टोरेज जो है हमारे कंप्यूटर में दो तरीके की होती है। एक होती है इंटरनल मेमोरी, एक होती है एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी में आपकी आती है रैम एंड रोम, ठीक है। इंटरनल मेमोरी में आपकी दो तरीके की आती हैं, एक आपकी आती है प्राइमरी, एक आती है आपकी सेकेंडरी, ठीक है। और प्राइमरी मेमोरी में आपकी आ जाती है रैम एंड रोम, सेकेंडरी मेमोरी में आपकी बहुत सारी मेमोरी आ जाती हैं जो आपके डिवाइस आपके कंप्यूटर में अलग से अपग्रेडेशन के लिए लगती हैं। जबकि प्राइमरी मेमोरी इंटरनल मेमोरी के अंतर्गत आती हैं आपकी दो मेमोरी रैम
एंड रोम। इंटरनल मेमोरी के अंतर्गत आपकी आती है दो मेमोरी। आप दुनिया, आप सुनिए ध्यान से, इंटरनल मेमोरी के अंदर आती है आपकी दो मेमोरी। पहली होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आपकी रैम और रोम आती है, जो आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी इनबिल्ट रहती है। कंप्यूटर जब आप खरीदोगे तभी आएगी। सेकेंड, जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है उसमें भी कई सारी मेमोरी आती हैं। और जो मैंने आपको बताया इंटरनल मेमोरी में होता है सेकेंडरी मेमोरी, उसमें भी कई सारी मेमोरी आती है। हालांकि मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट आने वाले वीडियो में आपको पता चलेगा, अभी बस बेसिक समझ लीजिए, ठीक है। अभी यहाँ पे डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इस पर स्पेशल वीडियो आएगा, तब वहाँ पे हम समझ लेंगे। देखिए यहाँ पे मेमोरी के पार्ट बताए जा रहे हैं, तो वही चीज़ है, ठीक है। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पे बताई जा रही है, हटाइए। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मेमोरी की यूनिट के बारे में। तो मेमोरी की कुछ यूनिट होती हैं। 8 बिट में 1 बाइट आती है, 8 बिट्स में 1 बाइट, 1024 बाइट्स में 1 KB, 1 MB में 1024 KB, 1 GB में 1024 MB, 1 TB में 1 TB में 1024 GB, 1 PB में 1024 TB, 1 HB में 1024 PB, 1 EB में 1024 PB, 1 ZB में 1024 EB। तो ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये आप चाहो तो बुक परचेज करके डिस्क्रिप्शन में लिया दिखा है, तो आप इन्हें पढ़ सकते हो, ठीक है। ये लंबा है और मैं आपको इसे एक एक करके नहीं बता सकता हूँ। और यहाँ पे ये देखिए बिट क्या होता है, निबल क्या होता है, ये भी यहाँ पे डिटेल में बताया गया है कि बिट बाइट क्या होता है, वर्ड क्या होता है, किलो बाइट क्या होता है, KB क्या होता है, MB क्या होता है, GB क्या होता है, TB क्या होता है, TB क्या होता है, PB क्या होता है। ये सब मेमोरी एक इकाई है, ठीक है, जिससे आपका डेटा जो आपके मोबाइल में मिलता है या फिर जिसमें डेटा आपका स्टोर किया जाता है, उनकी ये यूनिट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप बात कर लेते हैं कुछ आपके FAQ बेस्ड क्वेश्चन की। तो यहाँ पे FAQ बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, इनको चाहो आप स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है। अब इनपे मैं क्या डिस्कस करूँ, वही है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो ये आपके FAQ बेस्ड क्वेश्चन है, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में बुक का लिंक है, आप उसको चेकआउट जरूर कर सकते हो और उस पर जा करके बुक परचेज करके आप आसानी से पढ़ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कुछ नोट्स आपके लिए यहाँ पे दिए गए हैं। इन नोट्स को यदि आपने नहीं चेकआउट किया तो फिर क्या किया, तो इन नोट्स को भी चलिए ये मैं आपको बता देता हूँ। नोट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइक्रो प्रोसेसर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज हार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का दिल कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर को। सिस्टम बस इज यूज टू कनेक्ट CPU और सेंट्रल स्विच। CPU को सेंट्रल स्विच से स्विच करने के लिए सिस्टम बस का उपयोग किया जाता है। इन 1971 इंटेल क्रिएटेड द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर 4004। 1971 में इंटेल ने पहला अपना माइक्रो प्रोसेसर बनाया जिसका नाम था इंटेल 4004। मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ फिर बता दे रहा हूँ। Which 32-bit microprocessor used in IBM's PS2 model 80 computer 80,336। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि 32-bit का एक microprocessor था जो IBM ने PS2 model का एक computer बनाया था, PS2 model 80। ये question आ चुका है, मैं आपको बता दूं 80,386 ये पूरा मॉडल नाम है, ठीक है। तो इसमें जो है 32-bit का microprocessor यूज किया गया था और ये 80,386 ये सब मतलब इसका नाम है। तो आप चाहो तो नोट्स को पढ़ सकते हो, ये सब MCQ टाइप क्वेश्चन है जो मैं आप पे नोट्स में दिए हुए हैं। अ पार्ट लोकेटेड इन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन नोन एज कोर मेमोरी। देखिए यहाँ पे ये बताया गया है कि जो भी आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU में डेटा एंड इंफॉर्मेशन को स्टोर करने वाला है उसको हम कोर मेमोरी के नाम से जानते हैं। इन विच ईयर वर चिप्स यूज्ड इनसाइड द कंप्यूटर फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार कंप्यूटर के अंदर चिप का प्रयोग की गई 1975 में। मार्शियन ई होप इन्वेंटेड द माइक्रो प्रोसेसर, इनका नाम है वैज्ञानिक का, इन्होंने माइक्रो प्रोसेसर बनाया रहा है। CPU में कंटेंट मोर देन 1 ALU एंड ALUs कैन बी यूज्ड फॉर मेंटेनिंग टाइमर्स दैट हेल्प द कंप्यूटर सिस्टम। CPU में एक से ज्यादा आपके ALU हो सकते हैं। ALU क्या होता है मैं पिछले एपिसोड में बता चुका हूँ, यहाँ पे भेजा मारी मैं नहीं करूंगा, सब बता चुका हूँ पहले। सिलिकॉन वैली इज अ रीजन इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द सैन फ्रांसिस्को बाय बे। देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सिलिकॉन वैली जो है अमेरिका में एक क्षेत्र है, एरिया है जहाँ पे
सिलिकॉन पाया जाता है। सिलिकॉन क्या होता है? सिलिकॉन से ही आपके माइक्रो प्रोसेसर बनते हैं। माइक्रो प्रोसेसर एक सेमी कंडक्टर मेटेरियल से बना होता है, ये कभी डिटेल में चर्चा करेंगे, बस इतना आप समझ लो कि आपका माइक्रो प्रोसेसर सिलिकॉन से बना होता है। वो एक नॉन कंडक्टिव मटेरियल, ये एक सेमी कंडक्टर मटेरियल होता है। सेमी कंडक्टर मटेरियल वो मटेरियल होता है जो कभी तो अपने आप से करंट को फ्लो करने देगा, कभी करंट को फ्लो नहीं करने देगा। हम इसी प्रॉपर्टी का फायदा उठाते हैं और एक माइक्रो प्रोसेसर बना डालते हैं। इसी के तर्ज पे आपका जो है सोलर सिस्टम काम करता है, इसी से सूर्य की किरणों से आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। हालांकि वो अलग काम है, बस मेन चीज समझ लीजिए अभी, ठीक है। ये आपको आने वाले वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ये सब क्या होता है। सिलिकॉन वैली इज अ रीजन इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका का एक स्टेट है, ठीक है। तो ये जगह का नाम दिया गया है, वहीं से जो है वो हाई टेक्नोलॉजी क्षेत्र है। जैसे अपने इंडिया का कर्नाटक हो गया, सॉरी अपना बंगलोर हो गया, इंडिया का नोएडा हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया, ये सब टेक्नोलॉजी हब है। उसी तरीके से ये जो अमेरिका का हब है सैन फ्रांसिस्को, जहाँ पे सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया को माना जाता है बेंगलुरु को, ठीक है। ड्यूअल कोर ऑक्टा एंड मल्टी प्रोसेसर में कोर आती है, ठीक है। थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी समझ लीजिए, प्रोसेसर में क्या होती है थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी, ये होती है कि आप मान लीजिए प्रोसेसर तो एक ही रहेगा, बस उसको भागों में बांट देना और उनको अलग अलग काम को अलॉट कर देना, ये होती है थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी। मान लीजिए आपका सिंगल कोर प्रोसेसर है, उसमें थ्रेडिंग करने से ये हो जाएगा कि आपका प्रोसेसर दो भागों में बढ़ जाएगा, टूटेगा नहीं, रहेगा एक ही, लेकिन क्या होगा कि दो तरह से वो काम करने लगेगा, प्रोसेसर आपका सिंगल कोर ही रहेगा, ये होती है थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी। अच्छा नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड इज अ मेजर ऑफ द एग्जीक्यूशन स्पीड ऑफ द कंप्यूटर। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड जो है कंप्यूटर की स्पीड मापी जाती है और फ्लॉप्स में मापा जाता है सुपर कंप्यूटर को। द मेजर्स अप्रोक्सीमेटली प्रोवाइड्स द नंबर ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन दैट कुड बी एग्जीक्यूटेड इन अ सेकेंड बाय योर कंप्यूटर। तो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन में मापा जाता है स्पीड को। तो यहाँ पे ये जो है एमसीक्यू कुछ दिए गए हैं, आप चाहो तो बुक परचेज करके इनको पढ़ सकते हो, या फिर एक स्क्रीन पर दिख रहे हो तो उसी से कर लीजिएगा, ठीक है। खैर हटाओ, आज का वीडियो हुआ खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में। आज मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर बताया, डिटेल में सब कुछ बताया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो शेयर जरूर करें, क्योंकि जितना बढ़िया वीडियो आप सब लोगों के पास पहुँचना चाहिए, ठीक है। यदि नॉलेजेबल वीडियो लगा हो तो शेयर करें, वरना मत करें।